एवरीवन वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की रेप्यूटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और गाइस मैं आपको डिटेल में बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए गाइस रशिया की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी उनमें से काफी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी रही है लास्ट ईयर तक जो कि बाइलिंगुअल थी, मतलब कि 3 ईयर इंग्लिश मीडियम देन 3 ईयर रशियन में आपको पढ़ाया जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू NMC गैजेट अभी रशिया की काफी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी है जो NMC गैजेट क्राइटेरिया को मीट कर रही है और आपको मीडियम ऑफ टीचिंग एंटायर कोर्स इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही है। उन्हीं मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है जो लास्ट ईयर 2021 तक बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी रशिया की, लेकिन करेंटली 2022 में एंटायर कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर रही है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंटायर कोर्स बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में हो चुका है। तो इसी वजह से गाइस आप देखेंगे कि लास्ट ईयर तक काफी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जो रशिया की जिसका बजट काफी अफोर्डेबल था, लेकिन एज कम्पेयर टू 2021 2022 में ट्यूशन फीस काफी इंक्रीज हो गई है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में, इसके अलावा उसका ट्यूशन फीस, टोटल बजट आपका कितना होना चाहिए अगर आप बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो मैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस अगर आप लोग बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि बोजोन मेडिटेक भी ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो गाइस अब हम बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के उफा सिटी में लोकेटेड है और उफा सिटी वेल डेवलप्ड सिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन रशिया उफा सिटी है। उफा सिटी की टोटल डिस्टेंस मॉस्को से 1340 किलोमीटर की है और उफा सिटी वैसे आप विजिट करेंगे जब आप एडमिशन लेंगे तो ओवरऑल आपको काफी अच्छा लगेगा। अब अगर हम बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और ये काफी ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1932 में एस्टेब्लिश हुई थी। 90 साल से ज्यादा पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये रशिया की, और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ टीचिंग 2022 से एंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर का है विद 1 ईयर इंटर्नशिप। इसके अलावा गाइस बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है और खुद के हॉस्पिटल में ईयरली अराउंड 25,000 पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा काफी हॉस्पिटल के साथ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन भी है। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 फैकल्टी डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, डेंटल, पीडियाट्रिक्स एंड मेनी मोर। अब बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की। गाइस देखिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वेल डेवलप है, कैंपस काफी बड़ा है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपको स्टडी रिलेटेड सभी बुक्स मिल जाती हैं। तो ये काफी ओवरऑल देखे इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में आपको 4 सीटर रूम्स प्रोवाइड की जाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसके अंदर आपको 4 सीटर रूम प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्टल भी अवेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हॉस्टल के चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करूँ तो गवर्नमेंट हॉस्टल में 1 रूम में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, वाईफाई आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी चेयर, बेड वगैरह और जो भी बेसिक फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, रीडिंग रूम है एंड इंडियन मैथ्स भी अवेलेबल है। तो ये सारी फैसिलिटी भी आपको बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिलती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ट्यूशन फीस की तो देखिए गाइस बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस एनुअली जो आप पे करते हैं 2,94,120 रूबल आपके एनुअली ट्यूशन फी जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसका जो चार्ज आप पे करते हैं एनुअली 14,000 रूबल पे करते हैं, डिपेंड करता है अगर आप गवर्नमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्टल वगैरह अवेल करते हैं तो 14,000 से लेके गवर्नमेंट हॉस्टल के चार्जेस से लेके प्राइवेट हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो 45,000 रूबल तक आपको ईयरली पे करना होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल अवेल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एनुअली वीजा चार्जेस मेडिकल इंश्योरेंस के 12,000 रूबल भी पे करना होता है। तो अगर आप रफली देखें ट्यूशन फीस तो 4 लाख के आसपास ईयरली आप ट्यूशन फी पे करते हैं, 20,000 के आसपास ईयरली आप अगर गवर्नमेंट हॉस्टल अवेल करते हैं तो हॉस्टल का चार्ज पे करते हैं। इसके अलावा 15,000-16,000 के अराउंड आपको वीजा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेस पे करने होते हैं एनुअली। तो आप टोटल देखेंगे तो अराउंड आपको 5 लाख के अराउंड आप ईयरली पे करते हैं फॉर ट्यूशन फी, फॉर वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस एंड हॉस्टल। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 ईयर का आपका अराउंड 5 लाख के अकॉर्डिंग आपका 30 लाख आप ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस एंड वीजा और मेडिकल का पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल अवेल करते हैं तो थोड़ा बजट आपका इंक्रीज हो सकता है।
इसके अलावा आपका फूड का होता है कि पर ईयर आपको फूड 1 लाख भी मान के चलिए आप मंथली 10,000 फूड पे खर्च करते हैं। इसके अलावा आपका पॉकेट मनी हो गया, बाकी चीजें जो फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का फर्स्ट ईयर में पे कर रहे हैं, उसके अलावा कंसल्टेंसी चार्जेस है, अदर चार्जेस है, वन टाइम चार्जेस है, तो सारा अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक एक रूबल तो आपका अराउंड 38-39 लाख का टोटल बजट बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का होगा। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर आप टोटल बजट बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बनाते हैं तो जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप उससे पहले रूरल में सारा फीस स्ट्रक्चर, वन टाइम चार्जेस, एनुअली वीजा चार्जेस, मेडिकल चार्जेस, वीजा एक्सटेंशन जो है, हॉस्टल कौन सा अवेल कर रहे हैं, उस हॉस्टल का क्या चार्ज है और ट्यूशन फीस, सारा कुछ रूबल में लेके फिर उसको कैलकुलेट करें। आप देखें कि डॉलर का क्या रेट चल रहा है, फिर उस टाइम पे रूबल का क्या रेट चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट रूबल का 1.32 पैसे का रूबल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बजट बताया। आप करंट जिस टाइम आप एडमिशन प्लानिंग करें, एडमिशन ले रहे हैं, उस टाइम टोटल बजट आप रूबल से कंपेयर करके, डॉलर से कंपेयर करके रुपए को आप पूरा बजट बनाएं और फिर आप एक जो आपका बजट है कि आप उस बजट को अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर पाते उसके अकॉर्डिंग आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलूं तो इस टाइम करेंटली बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का टोटल बजट अराउंड 38-39 लाख है। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीसीबी में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 40% मार्क्स आपके मिनिमम पीसीबी में होने चाहिए फॉर अदर कैटेगरी। नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। इसके अलावा बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, वो भी आपको क्लियर करना होता है। इसके अलावा गाइस, अगर आप बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के उफा सिटी में लोकेटेड है। उफा सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है रशिया की और इसकी पॉपुलेशन अराउंड 1,20,000 है। अगर हम उफा सिटी की बात करें तो सिटी काफी डेवलप है और इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी का भी काफी अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, रात को भी और कभी भी आपको कहीं आना जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हम सिटी को भी देखें तो सिटी भी काफी अच्छी लगी मुझे। एंड गाइस, मैंने इस वीडियो के प्रीवियस में भी आपको बताया था कि अगर आप लोग बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं, आप बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं। बोजोन मेडिटेक हमेशा अपने स्टूडेंट को सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिस्टल क्लियर स्टार्टिंग में बताता है, सो दैट आप किसी तरह का कोई रिग्रेट ना करें कि बोजोन मेडिटेक को चूज किया या बोजोन मेडिटेक ने जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी को सजेस्ट किया आपने उसको चूज किया। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी है MBBS स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, MBBS स्टडी रशिया से रिलेटेड, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।